Hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Sadly, it will be the last episode of 2016 क्योंकि हम जाने वाले हैं 2017 में. So friends, जैसे कि आपको हर साल इंतजार रहता है, पिछले साल भी था, ये साल हम लेकर आए हैं the best actor and actresses on Bollywood This Week of the year 2016. तो friends, आज मैं आपको बताने वाला हूँ top 5 male actors और top 5 female actors, the worst 5 female actors and the worst 5 female actresses. तो friends, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं. यू आर वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक एंड दिस इज आमिर अंसारी. तो फ्रेंड्स, पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द बेस्ट एक्टर्स ऑफ 2016. एट नंबर 5 इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी वी हैव रणबीर कपूर फॉर ए दिल है मुश्किल. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, व्हाट इमोशंस, यू नो, अ टेक्सटबुक फॉर ऑल द लव फेलियर पीपल हु बिलीव इन वन साइडेड लव. एंड इन द एंड व्हेन ही सिंग्स छन्ना मेरिया, people go crying out of the theaters. So number 5 on our list is Ranbir Kapoor. At number 4 we have Akshay Kumar. His best performance ever in Rama Airlift, directed by Raja Menon. Fabulous performance friends. Akshay Kumar deserves some awards this year, but unfortunately he has people more deserving than him. At number 3 we have Sushant Singh Rajput for playing Mahendra Singh Dhoni fantastically. I mean, even Dhoni could not believe his eyes when he saw this movie. Sushant Singh Rajput agle saal bhi hamare top list pe hoga. Mind you, this ye ek lambe race ka ghoda hai. So friends, at number 2 we have Mamu Jaan of Imran Khan, hamare Mr. Perfectionist. What a movie man, Dangal. I just saw it last week. अभी भी उसका भूखा मेरे सर से उतरा नहीं. आमिर खान ने दंगल में जो काम किया है, काबिले तारीफ. जो मिस्टर फोगट बना है वो, उसने तो फाड़ दिया है फिल्म की. लेकिन he just falls short of the best performance of 2016 and has been pinned down. क्योंकि 2016 के बेस्ट एक्टर है सलमान खान twice in a row. लास्ट ईयर वो बजरंगी भाईजान एंड दिस ईयर फॉर सुन ले सुल्तान. सुल्तान इज अ मेमोरेबल कैरेक्टर एंड विल बी एच्ड इन हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड फॉर इयर्स एंड इयर्स टू कम. द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड सलमान खान शोइंग हिज एक्टिंग चॉप्स ऑन स्क्रीन लाइक नेवर बिफोर मेड द होल नेशन गो क्रेजी एंड कलेक्टेड मोर देन 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड. तो फ्रेंड्स, टॉप एक्टर 2016 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है सलमान खान फॉर फिल्म सुल्तान. तो फ्रेंड्स, आते हैं वर्स्ट मेल एक्टर्स ऑफ 2016. कौन होंगे वो? वेल फ्रेंड्स, नंबर 5 पे जो वर्स्ट एक्टर है 2016 का, वो है तनुज बिरानी. वन नाइट स्टैंड नाम की मूवी में एक लंबा चौड़ा, यू नो, लकड़े का घोड़ा खड़ा था, उसका नाम है तनुज वीरानी. काफी घटिया एक्टर है और मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई फिल्म करेगा. एट नंबर 4 वी हैव ओ हुजूर, बिक गए इसके खजूर. हिमेश रेशमिया फॉर 13 सुरूर 2 कैन गेट, यू नो, द मेटा ऑफ द सेंचुरी अवार्ड. इसके एक सीन है, वो स्लीवलेस पहन के जैकेट पहन के चलता नंबर 4 पे, तेरा 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 सुरूर. एंड नंबर 3 वी हैव टिप्स इंडस्ट्रीज, गिरीश तौहानी, मालिक ऑफ टिप्स फॉर लव शुदा. काफी बकवास फिल्म थी, फिल्म क्यों बनी मुझे पता नहीं. और नंबर 3 पर है हमारे गिरीश तौहानी साहब फॉर द मूवी लव शुदा. नंबर 2 पे है ओ ही शिवाय, उसमें ही कहीं. द मोस्ट डल परफॉर्मेंस फ्रॉम अ फैंटास्टिक एक्टर लाइक अजय देवगन, हु हैज गिवन अस सम फैबुलस मूवी लाइक कंपनी एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, गेव अस द पेलेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ इन शिवाय. ट्रस्ट मी, अजय देवगन इज द वर्स्ट एक्टर ऑफ 2016 फॉर हिज डिजास्टर कॉल्ड शिवाय. बट the worst actor like last year and even this year and for years and years to come if he doesn't stop acting is Pulkit Samrat. Two of his films released this year friends, Jununiyat and Sanam Re, both were epic tortures, trust me, horribly wrong.
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बेस्ट मेल एक्टर्स एंड वर्स्ट मेल एक्टर ऑफ 2016। ब्रेस योरसेल्फ्स, अब हम बताने वाले हैं आपको बेस्ट फीमेल एक्टर्स, और बेस्ट फीमेल एक्टर्स के बाद हम बताएंगे आपको वर्स्ट फीमेल एक्टर्स ऑफ 2016। तो द बेस्ट फीमेल एक्टर्स पे नंबर 5 पे तापसी पन्नू फॉर पिंक, हर कर्ली हेयर एटीट्यूड एंड हर डायलॉग डिलीवरी इन द कोर्ट रूम्स लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड व्हेन शी सेड नो मींस नो। एट नंबर 5 ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव तापसी पन्नू। एट नंबर 4 इज सरप्राइज एंट्री बिकॉज नो वन रिकॉग्नाइज्ड हर एंड परफॉर्मेंस वेंट अननोटिस्ड, स्वरा भास्कर हु प्लेज द मदर ऑफ अ चाइल्ड हु इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन मैथ्स एंड हर सेल्फ इनरोल्स इन टू द स्कूल टू गिव अ 10th स्टैंडर्ड एग्जाम इन स्पाइट ऑफ बींग 30+। स्वरा भास्कर प्लेड द ग्रीविंग मदर फैबुलसली इन नील भट्टे सन्नाटा एंड डिजर्व्स टू बी ऑन आर लिस्ट एट नंबर 4 ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ 2016। एट नंबर 3 वी हैव अनुष्का शर्मा फॉर सुल्तान एंड अलीजे। किल मी मैन, अलीजे विल बी अ कैरेक्टर एच्ड इन बॉलीवुड फॉर इयर्स एंड इयर्स टू कम। अनुष्का शर्मा नंबर 3 ऑन अ बेस्ट एक्ट्रेस लिस्ट फॉर सुल्तान एंड ए दिल मुश्किल। एट नंबर 2 एंड जस्ट यू नो बाय अ विस्कर शी इज लॉस्ट इट, आलिया भट्ट फॉर उड़ता पंजाब एंड जिंदगी। फैब fabulous, she was fabulous in Udaa Panjaab, her rape scenes and her drug scenes were fabulous, but for me, looking at the script wise and the way Sonam Kapoor, who I never imagined would play such a restrained character of Neerja Bhanot in Neerja, Sonam Kapoor is my best actress of 2015. So friends, ab aate hain worst actress. It is a very tough job to find worst performances, but Shivai was such a movie which gave us plenty worst performances. So at number 5 we have Vidya Balan for the movie Teen. She looked horribly fat, miraculously old, and her hairstyle looked so pathetic in the movie that they could have cast anyone else. At number 5 we have Vidya Balan for Teen. At number 4 we have Katrina Kaif, who was a sorry affair in a very nicely made movie called Fitur. Her red horrendous hair color made the film look more red, and that resembled the audience face who left with red faces. So at number 4 in the worst actor category is female, we have Katrina Kaif. At number 3 we have none other than Vani Kapoor for the film Befikre. Horribly botox lips and what not nose job made us cringe in the theater. She almost looked like the female version of a curly haired Tiger Shroff. At number 2 we have, you remember Saisha Sehgal, the heroine of Shivai. She was the worst performance of 2016. Trust me, she can give even, the Sunil Shetty lookalike, Atiya Shetty competition and the worst actress department. But the worst actress, the most irritating of them all, who made me eat 2 Crocin tablets while coming home, was Abigail Emes. Remember, a chota bachcha, a choti bachchi Shivai ki, she was a torture, trust me. And that's why she gets the best worst actress award of 2016. But friends, all not done, the critic section comes alive now. And there's a tie in the best actor critic category. The tie is between Shah Rukh Khan for Fan and Nawazuddin Siddiqui for Raman Raghav. Both extreme performances brought the inner actor out and beautifully portrayed them on screen. In the critic category, we have Sonakshi Sinha for Akira. Sadly, this A.R. Murugadas film didn't do that good at the box office, but Sonakshi Sinha's performance should not go unnoticed, especially after the horrendous run she had last year. But for me, if all supporting actresses and the critics awards should go to, is the 4 Dangal girls. Trust me, Fatima Sheikh and Zaira Wasim as the younger and the older version of Geeta Phogat in Dangal was the highlight of the movie.
and Sania Malhotra and Suhani Bhattacharya, who play the another daughter of Mahabir Phogat in Dangal, deserve special jury mention and awards, because for a woman to cut off such long hair into a buzz and, you know, lift men double, triple of their weight size is an overachievement for anybody, and they have portrayed it fantastically on screen. So friends, ये थे हमारे बेस्ट एक्टर और वर्स्ट एक्टर्स ऑफ 2016। दुख के साथ कहना पड़ता है 2016 खत्म हो गया, इतना अच्छा साल नहीं था बॉलीवुड के लिए, लेकिन अगले साल बहुत फिल्में हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। और हाँ, आमिर अंसारी है जो आपको हर फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू लाके देगा कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी। सो बैटमैन वंस अगेन सेज बाय, विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड सी यू इन 2017। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।